हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पासिंग ज्ञान। कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना, मींस एचसीएफ निकालना। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हमने एचसीएफ निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना फैक्टर मेथड पे। एचसीएफ निकालने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे फैक्टर मेथड से निकालना। फैक्टर मेथड से फॉर एग्जाम्पल हमारा डिजिट है 25 एंड 35। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे जो कि मैंने आपको इजीली सिखाया है यू शेप मेथड पे। अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब 25 के फैक्टर्स निकाल लें। पहले 1 के टेबल में जाएगा और देन 5 के टेबल में, 5 जाते तो रिपीट हो रहा है, हम नहीं लिखेंगे, बस यही हमारे फैक्टर्स होंगे। अब हम 35 के फैक्टर बनाएंगे। 1 के टेबल में 35 पे जाएगा, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 पे जाएगा, फिर 6 में नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा और एज इट इज बस ये इतने ही इसके फैक्टर बनेंगे। अब हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं जो कि मैंने आपको कॉमन फैक्टर वाले मेथड में भी वीडियो में सिखाए हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो उसका लिंक भी बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 और 5। देखिए और कहीं ये सर्कल नहीं हो रहे, मींस यही दोनों कॉमन फैक्टर हैं। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 और 5। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स पे देखेंगे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है। जैसे कि हमें पता है कि एचसीएफ का मतलब ये है कि जो वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, तो 1 और 5 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है हमारा, 5। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 5। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए हमारे अगर 2 डिजिट के डिजिट हो हमारे 2 डिजिट हो जो कि 3 डिजिट के हो, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपल मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ऐसे हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, ये तो मैंने आपको सिखाए निकालने। अब ऐसे ही 135 के निकाल लेंगे हम। 3 में जाएगा, 12, 4 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में, सॉरी 4 के बाद 5 में जाएगा, ये 5 में जाएगा, 527 जा होते हैं 6 में नहीं, 7 में नहीं जाएगा। अगर हमें पता करना है कि कैसे जाएगा तो हम डिजिबिलिटी रूल लगा के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 3 8 और 1 9, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके टेबल में आते हैं और किसमें नहीं आ रहे। ऐसे ये निकल गए हमारे फैक्टर। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, पहले 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और कोई देखिए और कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 1, 3 एंड 5। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, कौन सा सबसे हाईएस्ट आ रहा है हमारा, ये नंबर 5, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 5 डिजिट। ठीक है, आपको समझ में आया? इस तरीके से आप किसी भी चीज के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। हम लॉन्ग डिविजन से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर डिविजन से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पेपर में दिया जाता है कि एचसीएफ निकालिए लॉन्ग डिवीजन से, तो हम लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे, और अगर दिखाया जाता है कि एचसीएफ निकालिए फैक्टर मेथड से, तो हम इस मेथड से निकालेंगे। अगर लेकिन कोई भी मेथड हमें मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ ये लिखा जाता है कि फाइन एचसीएफ, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालिए, क्योंकि वो बहुत ईजी है और टाइम कंज्यूमिंग कम है, उसमें कम टाइम लगता है और हम इजीली इसको बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पेपर में एचसीएफ निकालना हो तो मैं प्रेफर करती हूँ लॉन्ग डिवीजन से निकालना। ठीक है, अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।